नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाड़ी और सिलसिला बाजारों का मैं चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आज का कम्युनिटी बाजार खुला कैसे है, क्या मंदी के साथ खुला है या तेजी के साथ, और कम्युनिटी बाजार आज पूरे दिन कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है जिससे कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके, और इस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी ये भी जानेंगे। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही नॉन एग्री में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी देख रहे हैं कि अपने सपोर्ट लेवल्स पर अभी भी जारी हैं, हल्की फुल्की मामूली गिरावट है, लेकिन वो बाजार ऐसे ही चलता है, कभी मंदी तो कभी तेजी, हल्की फुल्की नरमी तेजी बाजार में आती ही रहती है, प्रवृत्ति है बाजार की। गोल्ड देख रहे हैं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $1,847 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं सिल्वर $21.6 पर। गोल्ड और सिल्वर अपने पहले के लेवल से थोड़े नीचे फिसले हैं, थोड़े स्लिप ऑफ हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। अब फंडामेंटल्स क्या बन रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि अभी अमेरिका में और चाइना में इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब और जो रूटर्स पर पोल हो रही है, जितने भी इकोनॉमिस्ट है जानकार की, उनकी ये पोल्स हैं कि अब आने वाले महीनों में, जो अगला महीना होगा, जो बैंक्स हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स और सबसे ज़्यादा फेडरल और ECB पर पोल्स लगाई जा रही हैं कि ये दोनों बैंक्स अपने बेसिस पॉइंट्स में 50-50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकते हैं। अभी से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इसकी वजह से जो मार्केट है अभी से वो हाई वॉलेटाइल होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बाजार ज़्यादा उठापटक कर रहा हो तो मुनाफा कैसे कमाया जाए और नुकसान से कैसे बचा जाए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ज्यादा उठापटक के साथ कारोबार करती हो तो सोने चांदी में ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए कि मुनाफा ज्यादा हो और नुकसान से बचे। जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे ट्रिगर्स आने हैं, उसके ऊपर काफी नजर रहेगी। अभी US इन्फ्लेशन डाटा रिलीज होना है और दूसरा इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर भी अभी अपडेट आनी है, तो उसके चलते अभी हमने देखा है कि जो है वो स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड भी ऊपर गिरावट आई है और अभी ये गिरावट जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट है क्योंकि मार्केट जो है वो काफी वोलेटिलिटी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके चलते यहाँ पर अभी फिलहाल मार्केट के अंदर जी 50,800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है गोल्ड, और ऊपर में 51,200 की रेंज है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 61,200 से लेकर ऊपर में 62,000 के बीच ट्रेड करती दिखाई दे सकती है। देखिए अभी इन्फ्लेशन डाटा कैसा रहेगा इसके ऊपर काफी नजरें रहेंगी, और उधर से US का जो ट्रेजरी यील्ड है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सोने के ऊपर प्रेशर आया है और सोना एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। देखिए यहाँ से अगर सोने में बहुत बड़ी गिरावट आ जाती तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो अभी फिलहाल प्राइसेस जो है सस्टेन कर रहे हैं उसी लेवल के आसपास, तो मेरे हिसाब से सोने में यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। इसमें सेफ और साइड अगर देखा जाए तो डिप पर बाइंग की रणनीति ले, और इसमें जो अपना होरिजन है तो लॉन्ग टर्म रखे, अपना प्रोस्पेक्टिव व्यू 6 महीने से 1,000 का रखकर इसमें बाइंग जी। रूपा जी, खबरें तो ये भी हैं कि चाइना के शंघाई में फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, और जो नए वेरिएंट्स हैं और जो नए केसेस आ रहे हैं उनकी वजह से फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति भी है, तो इसका असर क्या सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो सोने के ऊपर आएगा जी, और अगर फिर से कोरोना जो है वो फैलाता है तो इसका सीधा असर सोने और चांदी पर सेफ हेवन डिमांड के रूप में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अब जो ये शंघाई के अंदर जो खबरें निकल के आ रही है कि लॉकडाउन को लेकर काफी मेजर्स लिए जा रहे हैं, और इसके चलते डिमांड के ऊपर जरूर इम्पैक्ट आ सकता है, और वो कच्चे तेल की डिमांड के ऊपर आ सकता है, और उसकी वजह से कच्चा तेल स्लिप करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि पहले भी हमने देखा था जिस तरीके से चाइना के अंदर लॉकडाउन हुआ था तो कच्चे तेल की कीमतें जो है वो सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे रही थी, उसकी डिमांड वहां पर इम्पैक्ट होती हुई नजर आई थी, और अगर शंघाई में भी ऐसा होता है तो डेफिनेटली कच्चे तेल की उसकी डिमांड के ऊपर एक बार असर आता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रैली है जी।
रूपा जी, कच्चे तेल में तो देख रहे हैं कि खैर चाइना के वापस आने से बढ़त भी देखने को मिली थी, फिर दूसरा, लेकिन अब ये भी खबरें हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर झेलना पड़ रहा है, और एक कच्चे तेल की बड़ी कंपनी कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन को शटडाउन भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, चाइना का फिर से कोरोना में लॉकडाउन में चले जाने की आशंका और कच्चे तेल की यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनियां का शटडाउन होना, तो ये कच्चे तेल के बाजार को किस ओर लेके जाएगा, किस दिशा में अब आप कच्चे तेल का बाजार देखती हैं? देखिए, जिस तरीके का अभी सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है उसमें नो डाउट कच्चा तेल तो पॉजिटिव है, और मार्केट के अंदर आगे भी बाजार जो है वो तेजी के साथ ही रिएक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, सप्लाई को लेकर पहले ही काफी चिंताएं हैं और सप्लाई को और की वजह से ही हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है, और अगर अब लॉकडाउन की स्थिति आती है तो थोड़ा सा डिमांड के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। सप्लाई पहले ही तंग है, और अगर ऐसे एक दो और शटडाउन हो जाते हैं तो डेफिनेटली सप्लाई डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, और जिसके चलते कीमतों को सपोर्ट आना तय है, तो गिरावट जो है वो लिमिटेड रह सकती है, इसके चलते प्राइसेस जो है वो बूस्टअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है, बेस मेटल्स में कैसा कारोबार देखने को मिलेगा, क्या बेस मेटल्स की डिमांड फिर से चाइना के वापस लॉकडाउन जाने से कम हो जाएगी? देखिए, बेस मेटल पॉजिटिव लगते हैं, यहाँ पर बेस मेटल्स में कोई बहुत ज्यादा देखिए करेक्शन की उम्मीद नहीं है, यहाँ से मुझे लगता है कि बेस मेटल तेजी की तरफ ही रह सकते हैं, इनके अंदर भी निचले स्तरों पर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए। कॉपर देखिए 780-760 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, और अभी देखिए जब तक 800 के ऊपर नहीं जाता तब तक लंबी तेजी भी नहीं दिखा रहा है मार्केट, लेकिन टेक्निकली जो है 800 का लेवल है, लेकिन फंडामेंटल जो है हमें सपोर्टिव लग रहा है, और नीचे में 780-760 लोअर साइड हमें देख सकते हैं, वहां पर सस्टेनेबिलिटी कॉपर में आती हुई दिखाई दे सकती है, और जिंक भी 320 से लेकर 330-340 की रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में क्या लगता है, नेचुरल गैस का बाजार कैसा रहेगा? देख रहे हैं कि जो नेचुरल गैस $9.5 पर थी अब वो $8.9 पर आ गई है, तो ये जो अचानक से गिरावट आई है ये किस कारण आई है? देखिए, डिमांड फैक्टर ही अहम रोल प्ले करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर नेचुरल गैस उठती हुई दिखाई दी है, लेकिन आप अगर देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में वापसी से तेजी की तरफ है मार्केट, और देखिए जो 640 के आसपास नेचुरल गैस देखने को मिल रही थी वो अब 697 के आसपास पहुंच चुकी है, 700 का भी लेवल टच हो चुका है, तो डोमेस्टिक मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जरूर थोड़ा सा कुछ एक डाटा आना है जिसकी वजह से प्राइसेस जो है थोड़ा सा डाउनसाइड में आ गया, आज हमने क्रूड भी गिरते हुए देखा है, नेचुरल गैस में भी ऊपर स्तरों पर बिकवाली है, सोने चांदी में भी बिकवाली है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो सभी उन चीजों के अंदर ऊपरी स्तरों पर आए दबाव बनते हुए दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट सस्टेन कर रहे हैं, और नेचुरल गैस अभी भी मुझे पॉजिटिव लगती है, यहाँ से 700 के ऊपर निकलती है तो 740-760 का स्तर हो सकता है आने वाले दिनों में दिखाई दे। जी रूपा जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में ऐसे उठापटक के दौरान आप वो कौन सी हॉट कम्युनिटी टॉपिक चूज करना चाहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर सेफ हेवन हो सकते हैं, डिप पर इनके अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी, तो यहाँ तो हमने बात करी है नॉन एग्री की, फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।